10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ग्राउंड पर फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या दौरे पर पहुंचे, वहीं आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। ऐसे में सीएम योगी के अयोध्या दौरे के कुछ सियासी मायने माने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए उपचुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। सियासी जानकारों की माने तो खासकर अयोध्या के तहत आने वाली मिल्कीपुर सीट पर उनके लिए करो या मरो की स्थिति होगी। मिल्कीपुर उपचुनाव इसलिए भी सीएम योगी के लिए अहम हो जाता है क्योंकि वहां कुछ ही समय पहले आम चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, वहां सपा के प्रत्याशी की जीत हुई थी। अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जिले के दौरे पर आएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा के कार्यकर्ता नेता भी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री करीब 3 घंटे जिले में रहेंगे और इस दौरान सीएम योगी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं कटहरी विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में चल रही सियासी उठापटक के बीच योगी सरकार में मंत्री और अपना दल एसके नेता आशीष पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। उनके साथ मंत्री दयाशंकर सिंह समेत विधायक भी मौजूद रहे, इसकी तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद एक बार फिर से कयासों का दौर शुरू हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य के साथ आशीष पटेल की तस्वीरें इसलिए और अहम हो जाती हैं क्योंकि उनकी पत्नी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कई बार सीएम योगी के फैसलों को लेकर सवाल उठा चुकी है। उन्होंने योगी सरकार के नजूल संपत्ति विधेयक का भी खुलकर विरोध किया था। ऐसे में अब उनके पति आशीष पटेल की केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद कयास लगने शुरू हो गए हैं कि यूपी सरकार में अब भी ऑल इज वेल नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका की सुनवाई आज होगी। पार्टी संगठन को सरकार से बड़ा बताए जाने के बयान पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर ये याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में डिप्टी सीएम पद पर उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठाया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की बेंच में जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव ने दाखिल की है ये जनहित याचिका। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के सरकार से बड़ा संगठन है वाले बयान को आधार बनाया गया है। प्रदेश एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश पंकज यादव ढेर हो गया। ये मुठभेड़ मथुरा के फरह थाना क्षेत्र में हुई। मौके से एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। मारे गए बदमाश पंकज यादव पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी जैसे 40 मुकदमे दर्ज थे। मऊ के ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह पुलिसकर्मी को मारने का आरोप भी पंकज पर था। पंकज यादव बीते काफी समय से फरार चल रहा था। एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेंद्र शाही की टीम से मुठभेड़ में मारा गया पंकज यादव। कुख्यात अपराधी पंकज यादव पर हत्या और अन्य गंभीर आरोपों में 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। वो कई पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में भी फरार चल रहा था। पंकज यादव शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी गैंग का शार्प शूटर रहा है। यूपी चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद एनडीए के सहयोगी भी लगातार कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। अपना दल एस की अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल भी कई बार सीएम योगी को लेकर सवाल उठा चुकी है। लगातार योगी सरकार अनुप्रिया पटेल के निशाने पर रही। वहीं ऐसे में उनके पति आशीष पटेल की केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद सियासत शुरू हो गई है, जिसको लेकर सपा नेता आईपी सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर तस्वीरों को शेयर किया और योगी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, लॉबिंग चल रही है, किट किट की। दरअसल जब से केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के खिलाफ बगावती सुर अपनाए हैं, तब से योगी सरकार विपक्ष के घेरे में है और ऐसे में आशीष पटेल का डिप्टी सीएम से मिलना सियासत को हवा दे रहा है। सपा नेता फखरुल हसन ने अयोध्या बलात्कार पर चल रही सियासत को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और बड़ा बयान दिया। सपा नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए नेताओं के पास केवल हिंदू मुसलमान का मुद्दा है। देश में होने वाली घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का एंगल दे देती है और अपना राजनीतिक लाभ देखती है। अयोध्या में मंगलवार को सरयू गेस्ट हाउस में संतों से मुलाकात और रात्रि विश्राम के बाद सीएम योगी बुधवार सुबह दिगंबर अखाड़ा पहुंचे। यहां राम मंदिर आंदोलन के महानायक रामचंद्र दास परमहंस की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास से मुलाकात भी की। साथ ही सीएम योगी ने दिगंबर अखाड़ा के गर्भगृह में मौजूद भगवान के विग्रहों का वैदिक मंत्रों के बीच पूजन किया। यूपी कैडर के सीनियर आईएएस देवेश चतुर्वेदी को केंद्र में भेज दिया गया है। केंद्र में उन्हें कृषि सचिव की जिम्मेदारी मिली है। 1989 बैच के देवेश चतुर्वेदी के पास अपर मुख्य सचिव कृषि,
अपर मुख्य सचिव नियुक्ति के साथ ही कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज भी है। केंद्र में उनकी नियुक्ति के बाद यूपी में अब 3 अहम पद खाली हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में कथित अनबन का सामना कर रही बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए नया प्लान बना लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के समायोजन के जरिए पार्टी में जोश भरेगी। बोर्ड, निगम, आयोग, निकाय, गन्ना समितियां और गन्ना परिषदों में कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। बीजेपी निकायों में 2200 से ज्यादा पार्षद मनोनीत करेगी, 4 आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बनाएगी।